हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ चुके हैं, यहाँ पे बाहर आए हुए हैं। तो आज हमने ये मंगाया है वन प्लस फोन। तो आप ये देख रहे हैं, तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये फ़ोन कैसा है। तो ये फ़ोन हमने 28,000 रुपये का मंगाया है amazon.in से। तो चलिए अभी हम आपको इसका कैमरा और दिखाएँगे कि ये फ़ोन कैसा है। सो गाइस, ये है अभी हमारे पास वन प्लस नॉर्ड, जिससे कि ये अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी वीडियो की क्वालिटी मिलती है, जिसमें आप स्काई का कलर देख सकते हैं। तो इसके साथ में हमें ये काफ़ी अच्छा इसमें वीडियो ऑप्शन मिलता है, जो कि ये ब्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट कैमरा है। तो अगर आपको ब्लॉगिंग करना है और अगर आप कोई यूट्यूबर हैं, तो ये आप फ़ोन ले सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। और ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें कोई भी माइक नहीं लगी है, तो ये इसी की वॉइस है फ़ोन की ही, क्योंकि इसमें कोई जैक का ऑप्शन नहीं है। अगर हम इसमें माइक यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें ब्लूटूथ वाला माइक यूज़ करना होगा, जो कि हमें अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। तो ये फ़ोन हमने amazon.in से मंगाया है, वन प्लस नॉर्ड है ये। तो आप इसकी काफ़ी अच्छी इसमें वीडियो क्वालिटी है, इसमें फ्रंट और रियर दोनों तरफ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है हमको। तो गाइस, आप देखिए, जैसे कि ये मेरा वीडियो फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस वीडियो क्वालिटी में ये नॉर्मल, मतलब ऐसे ही कैमरे पर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अभी हम आपको अल्ट्रा वाइड पे दिखाएंगे कि अल्ट्रा वाइड पे वीडियो कैसे रिकॉर्ड होता है। तो अभी आप देखिए कि नॉर्मल कैमरे पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो अभी हम इसको लगाते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल पे। गाइस, ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें ये पीछे का एरिया कितना अच्छा कवर करता है पूरी तरीके से। तो इससे अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी, क्योंकि ये पीछे का आपको ये दिखाना होता है, तो ये आप काफ़ी आसानी से दिखा सकते हैं। और इसकी वीडियो क्वालिटी में आपसे एक बार फिर से कहूँगा कि काफ़ी बेस्ट है। अगर आपको वीडियो बनाना है, अगर आप यूट्यूबर हैं, तो आप इसको ज़रूर लीजिए। और आप इसका स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं, ये कितना ज़्यादा अच्छा है, ये काफ़ी अच्छी हमारे वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो आप इसका स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं कि हमारे कैमरे को ये बिल्कुल भी मतलब हिलता नहीं है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी वीडियो को बनाता है, देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा है। और अभी हम आपको इस फ़ोन की वीडियो की जूमिंग दिखाएंगे, तो ये कितनी ज़्यादा बेस्ट है, तो आप ये देखिए। तो ये इसका बैक कैमरा है, तो ये काफ़ी अच्छा वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। तो अभी हम इसको आपको फुल जूमिंग इस फ़ोन की दिखाते हैं। सो गाइस, मैंने इस वीडियो में किसी भी टाइप का फिल्टर और इस वीडियो को एडिट कर भी नहीं किया है, जो आप समझेंगे इसमें मैंने कोई भी कलर को यूज़ किया है। तो ये इसका ओरिजिनल कलर है, जो आप देख पा रहे हैं। तो ये आप ब्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप इसी फ़ोन को बाई कीजिए, इसीलिए मैंने इस फ़ोन का ये वीडियो बनाया है, जिससे कि जितने यूट्यूबर्स लोग हैं, छोटे यूट्यूबर्स, वो लोग कैमरा बाई नहीं कर सकते। तो ये आपको 28,000 रुपये का फ़ोन मिल जाएगा। इसके तीन वेरिएंट आते हैं, एक 6GB और 64GB वाला आता है, वो आपको 25 का मिलेगा, और 8/128 आपको 28,000 का, और आपको 12GB वाला वेरिएंट 30,000 रुपये का मिल जाएगा। उसमें स्टोरेज हमें 256GB का मिलता है। आज हवा काफ़ी तेज़ी से चल रही है, तो शायद वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, लेकिन इस फ़ोन का जो वॉइस मतलब आती है इसमें बिना किसी माइक के, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर और काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड होती है। तो अभी हम आपको इसमें कुछ वीडियो सैंपल्स दिखाएंगे, तो आप उनको देखिए और बताइए कि कैसे इससे वीडियो रिकॉर्ड होते हैं। मैंने भी इस फ़ोन को सिर्फ ब्लॉगिंग करने के लिए ही ख़रीदा है, जिससे कि मेरी वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, और जिससे वीडियो पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आए। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैंने इस फ़ोन के अनबॉक्सिंग वाला वीडियो भी बनाया है, जो मेरा सेकेंड यूट्यूब टेक चैनल है, मैंने उस पर डाला है, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ से उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, इस वीडियो की अनबॉक्सिंग मैंने की है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।